season 2, and our top 10 dancers are ready to put on a show. As we all know, only one couple will make it to the last round and be crowned United Kingdom's favorite dancer. Ladies and gentlemen, welcome to Let's Dance. डांस कॉम्पिटिशन को मुझे जीतना है और यही मेरा लक्ष्य है। मस्ती से भरी इस लाइफ में एक लड़का आया। Sorry, no 20 pounds note, only 50s. अरे अर्जुन, हाँ चाचा जी, ये तू क्या कर रहा है? ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल हूबहू। कॉमेडी है ना? अरे दिख रहा है, ये 420 का काम है। तो क्या हुआ? पता नहीं, आजकल के लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद ही नहीं आते। अच्छा, बल्कि इस तरह से फ्रॉड करने वाले, मवाली बनकर घूमने वाले। अच्छा, इन्हीं को पसंद करती हूँ। अरे तू, मेरे पास बहुत पैसे है, तू आने यूज करी सके छे दिख रहा। अरे चाचा जी, अपने दम पे लड़की फांसने में जो मजा मिलता है ना, वो मजा दुनिया की किसी भी काम में नहीं मिलता। काम 420 का और मोटी मोटी बातों करे थे। रुपयों से भरा वॉलेट अगर कोई लड़की देख लेगी ना, तो वो क्या कहेगी? हाय। क्या कहेगी? हाय। एक बार फिर से बोलना। हाय। जैम है, उसे सिर पर क्यों लगा रहा है? अरे ये खाने के लिए है। तुम्हें वेज पसंद है? वेज, हाँ। मुझे तो नॉन वेज अच्छा पसंद तो, है।
पूरा खा लोगी ना? एक और मंगवाओ तो वो भी खा लोगी? वेरी गुड। हंसते हुए गाल में गड्ढा पड़ता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये बात है जैक। ओहो, ज्यादा तकलीफ मत करो। ये क्या कर रही हो? वॉच नाउ। ओह, क्या दिमाग है, क्या इंटेलिजेंस है। अरे ये तो दूध के टोकन की तरह लग रहा है। यही पैसे हैं क्या? एंड 34। अरे बाप रे, सारे पैसे चले गए। बस करो। अर्जुन लिसन, 24 घंटे से ज्यादा ना कोई मुझे झेल सकता है और ना मैं किसी को झेल सकती हूँ। बट यू आर लाइक परफेक्ट। मैं तुमसे एक बात कहूँ? रुको, वन सेकंड। लड़का किसी लड़की से जाकर आई लव यू बोले तो वो अच्छा लगता है, और अगर कोई लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोले तो क्यों झटका लगता है? तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं थोड़ा सोच समझ के बताऊं। टेक योर टाइम। वैसे हमें प्यार हुआ है या नहीं ये पता लगाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। दुनिया में सबसे गिरा हुआ बेहुदा या काम अगर हम देखें और वो सारे के सारे काम अगर हमें अच्छे लगने लग जाए तो समझ लो कि प्यार हो गया। इतने बेशर्म जंगल में अगर तो भालू भी आपस में गले मिलेंगे तो मुझे मेरी बारी याद आ जाएगी। उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। इस पॉइंट से जो मेरी जिंदगी में बदलाव आया उसके कुछ एपिसोड साफ हो गए। पहला एपिसोड प्यार का बुखार। अर्जुन, क्या हुआ तुझे? चाचा जी, मेरे साथ ना एक लड़की थी। फॉरेनर थी क्या? नहीं, वो वैसी नहीं है। हाँ, अपने शहर की है। मुंबई की है? तुम तो मेरे बारे में जानते हो ना। वही तो मुसीबत की जड़ है। जो मुझे चाहिए ना, हाँ, वो सब उस लड़की में है चाचा जी। यानी वो माइनस है और तू प्लस। प्लस प्लस, जैसे वॉल क्लॉक होती है ना, ठीक उसी की तरह टिक 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 बोलती ही चली जाती है चाचा जी। मैं क्या करूं? ए ए बाल मत देख, बाल मेरी सुंदरता है चाचू। मुझे उससे प्यार हो गया चाचू, मुझे प्यार। क्या कर रहा है? क्यों रे, तुझे दूसरा और कोई काम नहीं है क्या? किसी से दिल लगाना ये भी तो एक काम ही है ना। ऐसी बातें करने वाला 12 घंटे के बाद दूसरे हिसाब से बोलने लगा। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है चाचू। जो कुछ भी मुझे चाहिए ना वो सब उसमें है चाचू। ये आज इसके सुर इतने बदले बदले से क्यों है? उस दिन तो तू प्लस माइनस का कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा था। मैं तो प्लस ही हूँ चाचू। हाँ, लेकिन वो पूरी तरह से माइनस है, पूरी तरह से माइनस है चाचू। अरे जानते हो उसने इतना खतरनाक डांस किया। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? अरे बाप रे, कैसे कैसे मूवमेंट है।
मेरी डॉली आंटी ना दोनों सालसा डांस करते हैं। एक पॉन के नीचे दूंगा तो बाजा बजने लगेगा। लेकिन चाचू वो अरे अर्जुन क्यूट है। तू क्या रंग बदलता है यार, एकदम गिरगिट की तरह। ये एक प्लस है हाँ, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स है ना, अरे बाप रे बाप बाप बाप, क्या कहूँ, सारे मंगोलियन है क्या। Hey, it's always a pleasure to work with you. You are good, right? It's okay. By the way, Mojo, Arjun. Hey, man. You dance? Huh? Dance. Salsa. No. Excuse me. Bye, Arjun. Nice meeting you. और किसी को बाहों में लेना बाकी है? नहीं, और कोई नहीं। इस तरह की लड़की को मैं प्यार कर सकता हूँ क्या चाचू? फिर शुरू हो गया। देखिए ना, वो करती है सालसा डांस, और उसके साथ वो लोमड़ी की तरह दिखने वाला मोजो, ऐसे ऐसे उसके फ्रेंड्स हैं, कई सारे माइनस हैं। लेकिन क्या? लेकिन हाँ, वो चाहिए चाचू। क्यों चाहिए जानते हो? क्योंकि वो मुझे सिंसियरली लव करती है चाचू। अरे दिख रहा मेरी बात सुन। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, सीरियसली नहीं चाहिए। देखिए उसके अंदर कितने सारे माइनस हैं, लेकिन मुझे वो चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहिए वो चाचू, उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। अरे ये है डांस, और उसके साथ ये सब बेकार है। अगर अपन ये सब हटा देंगे ना, अरे तो सब ये कितनी पहेलियां बुझा रहा है। तो लगा मेरा प्लान। अरे मेरी जान बख्श दे, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने दे। कोई ना कोई बहाना बनाकर तेरा डांस क्लासेस कट करवाऊंगा, देख लेना। क्या हुआ, तुम्हारे घर में कोई नहीं है? है ना, आंटी होगी ना घर पे, कहाँ गई होंगी? वो कौन? अरे वही मेरी गार्डन। ओ। सवाल जवाब थोड़ा ज्यादा करती हैं, टेंशन मत लेना, मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी। ओके बाय। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बड़ी आई मुझे समझा दी। हाय हाय मीना। मैं अर्जुन। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं वेट कर रहा हूँ। आई मीन आजकल क्या कर रहे हो? ये जो अवतार फिल्म थी ना, उसकी तरह एनिमेशन का काम कर रहा हूँ। कार्टून्स? हाँ, ऐसे भी बोल सकती है। अभी कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हो क्या? कहाँ, लंच करने के लिए? हाँ लंच रेस्टोरेंट में। तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है? खाना मिलेगा। किसके साथ जा रहे हो? अकेले जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा कैसे जाओगे? ऐसे तो कार में ही जाएंगे, वो चाचा जी फ्रेंड्स सब मिलकर जाएंगे। नहीं चल सकती? हाँ चल सकती हो। ठीक है। हाय। जानते जानते हो? हाँ अच्छी तरह। और वो भी चल रही हैं। और वो भी साथ चल रही हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बहुत ही बढ़िया मजाक करती हैं। अर्जुन उस डांस कंपटीशन का नाम है लेट्स डांस इंटरनेशनल। मेरा ड्रीम है पहली बार स्टेज पर डांस करूंगी और जीतूंगी। डांस करके धूम मचा लूंगी। मुझे अच्छा डांस करना है और मेरे पार्टनर को भी। बट एनीवे थैंक्स। तुम्हारे ग्रुप का यही काम है क्या? मैं ग्रुप में डांस नहीं करती हूँ, हर एक के लिए अलग पार्टनर है। मेरा पार्टनर है मोजो। तुमने कहा था बहुत सारे लोग आने वाले हैं, सरप्राइज पार्टी है, कहाँ है? हाँ और है, ऑन द वे। दूसरे दिन भी तुमने मेरा डांस क्लास मिस करवा दिया। पता है ऐसा मैंने कभी नहीं किया। अब तो भूख लगने लगी अर्जुन। अर्जुन डेली के हमें इसी वक्त मिलना होगा, इस टाइम के अलावा हम बाकी टाइम खाली तो रहते हैं। तुम क्या समझती हो कि मुझे काम नहीं है? मुझे कितने सारे काम है, कितने सारे कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मेरा वेट करते हैं। सब कुछ छोड़कर मैं क्यों आता हूँ जानती हो? क्योंकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, और तुम होगी अपने डांस के पीछे पड़ी हो। जितना चाहो उतना टाइम स्पेंड करेंगे, ओके? ये बात है। ऊपर तो नहीं जाओगी? भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। ओए ये हुई ना बात, ओए सॉरी, चल आजा तुझे खिलाता हूँ बढ़िया से कुछ ना कुछ। हेलो निशा, मैं यहाँ पहुँच गया, तुम्हें आने में देर होगी क्या? उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके जाना है। आज तुम एडजस्ट कर लूंगा।
उसे क्लियर कर लेना ही अच्छा होता है। What happened? Where are you going? ये डांस के प्रैक्टिस के बीच में ये क्या कर रही है? थोड़ा चुप रहो ना। हेलो, कहाँ हो निशा? यहीं पे हूँ अर्जुन, बाहर ही हूँ। वही बाहर कहाँ? अरे मैंने कहा था ना हॉस्पिटल। उसी हॉस्पिटल के बाहर मैं खड़ा हूँ, जरा बाहर आ सकती हूँ? अर्जुन, अर्जुन सॉरी, मेरा आने का बहुत मन था, पर डांस भी तो जरूरी है। आज मेरा बर्थडे है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? शिट, सोचा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, झूठ बोलकर मेरा मूड ही खराब कर दिया तुमने। ओके, आज मैं डांस कर लेती हूँ, पर कल तुम्हारे साथ रहूंगी, पूरा दिन तुम्हारा, आई प्रॉमिस। ओके, आई स्वेयर अर्जुन, कल बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। ओके, कोई बात नहीं निशा, कल भी नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, जाओ। अर्जुन बुरा मत मानो प्लीज। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ। कल मिलते हैं ना अर्जुन, प्लीज गुड, कल मिलते हैं ना पक्का अर्जुन, प्लीज। किस करके चला जाऊंगा अर्जुन, दरवाजा खोल। चाचू थैंक यू वेरी मच। ओफो, हेलो हेलो, दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ ना प्लीज। ठीक है, हॉस्पिटल में है तो हाँ मैं बस आ जाऊंगी घर। ओके लिसन, आई हैव टू गो, हाँ मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय आंटी। कभी कभार झूठ बोलने वालों को तो बहुत देखा है, लेकिन हमेशा झूठ बोलने वाली को तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। अर्जुन मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दे, मेरी माँ मैं जा रहा हूँ। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, हैप्पी बर्थडे। ये क्या है, गुलाब का फूल? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाप रे, कहाँ से मार के लाई हो इसे? पहनाओ। हैं?
इस उंगली में क्यों पहना हूँ? ना भी नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। अरे यार गलती से पूछ लिया, मजाक मत बना लेना। ऐसे करो ना। उंगलियां ऐसे क्यों? तो तू भी उंगली करने के चक्कर में है क्या? ऐसे हाँ ठीक है करो। ये क्या है पता है? क्या है? पेरेंट्स। ये मैं क्या जानू? फ्रेंड्स। ओके और ये आया होगी सिब्लिंग्स यार, यानी भाई बहन। ये जो है खुल सकता है, ये खुल जाएगा और ये भी खुल जाएगा, और ये वाला करके देखो। नहीं खुल रही है ना? ये क्यों नहीं खुल रहा? यही है फॉरएवर यू एंड मी, इसलिए ये होंगे। क्या बात है। ऐसे खुल जाएंगे ना, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। चलो पहले पार्टी में जा रहे हैं, वहां से सुबह ही आएंगे। सी यू टुमारो। नहीं बोलो। ओ कम 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 कम, बुलाते ही आ गई। वाह क्या बात है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। निशा ए प्लीज यार, हे ए प्लीज यार। पागल हो क्या? क्या कर रहे हो अर्जुन? कुछ भी करते हो। मैं तो ऐसे ही बोल के देख रहा हूँ। घर में कोई नहीं है। I love you। हाय 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 हाय, very good। सोच रहा था कि आज का दिन पूरा बेकार हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, दिल की बात सुन ही लेता है। लाइट ऑन करो। हे भगवान, मैंने अपने घर को कितना साफ सुथरा रखा था, इसने मेरे घर को अपवित्र कर दिया। हे हे, दिस इज वेरी बैड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वर्स्ट बिहेवियर। लाइट्स ऑफ। उन्होंने सोचा कि वो हमें सरप्राइज करेंगे, लेकिन उसके बदले हमने उनको ही सरप्राइज दे दिया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, और अभी शादी करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। हालांकि उनकी बात तो मुझे सही लग रही है, वी शुड गेट मैरिड। क्या मैरिज? हम तो अभी बच्चे हैं यार। हाँ तो क्या उम्र निकलने के बाद बुढ़ापे में शादी करेंगे? ये उम्र शादी की ही होती है, अभी करेंगे तो ही सही होगा। ठीक है तुम सही कह रहे हो, लेट्स गेट मैरिड। तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? शादी करना कोई मामूली बात नहीं होती, कितनी ऑल्टरेशंस करनी पड़ती हैं, कितने कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, टिंकरिंग का काम होता है। कौन से चेंजेस अर्जुन, क्या करना होता है? वो मान लो कि हमारी शादी हो जाती है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, खुद को बदलना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब तो तुम करोगी ना? वो सब किस लिए? किस लिए? वो शादी के बाद तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी ना? जरूरी तो नहीं अर्जुन। यार क्या दिमाग है, क्या सोच है, मैं इसको कैसे समझाऊं? निशा अगर मानो कि मुझे कुछ पसंद नहीं है तो तुम तो नहीं करोगी ना? हाँ नहीं करूंगी। अब जैसे ये होता है ना मोजो, और ये जैसे डांस, जो कपड़े होते हैं, और दोस्तों को देखते ही उन्हें बाहों में भरकर जो गालों पर किस करते हैं, उसके लिए मना करूंगा तो मानोगी ना? लेकिन ये सब गलत थोड़ी ना है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा एक काम करो, तुम मेरे लिए बदल जाओ, मेरे फ्रेंड्स के साथ रहो, हम लोग बहुत खुश रहेंगे, देखना। ए, अपने आप को मैं इतना गंदा नहीं बना सकता, समझी? क्या गंदा? हाँ। क्या कहा? मेरे फ्रेंड्स को और गंदा नहीं कहा? निशा, अच्छी लड़कियाँ ऐसा सब नहीं करती। मतलब मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, क्या कहना चाहते हो तुम? जी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अच्छी लड़कियों को ये शोभा नहीं देता है बस।
अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो मेरे पीछे क्यों घूमते हो? हाँ, अरे क्या कहा, मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ? मजाक में भी कोई इस तरह से नहीं बोलता है यार, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, अब मैं कॉल नहीं करूँगी, तुम भी कॉल मत करना, ना बात करेंगे ना मिलेंगे, लेट्स ब्रेक अप। कोई बात नहीं, ब्रेकअप बोल के बैग दिखा के कतरीना कैफ की तरह चली गई। ऐसी लड़कियों को देख देख के अब तो मैं पूरा थक गया हूँ। लेकिन उस दिन एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो प्यार है ना, वो शराब की तरह है, जिसे पीने से पहले सोचते हैं और पीने के बाद भी सोचते हैं, लेकिन पीते समय कभी नहीं सोचते। ठीक वैसा ही है, प्यार में वो फीलिंग ही नहीं आती, लेकिन जब प्यार में ब्रेकअप होता है तब हम चली गई सोच कर मैं कितना खुश था। हेलो, क्या हुआ? ओफो, अच्छा हुआ तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। घर में पता नहीं फ्रेंड और भला क्यों लगाया। सॉरी, तुम डिस्टर्ब किया। आजा आजा। I know it's late, but मैं सोने जा रही थी तभी एक आइडिया आया, वो जरूर वर्कआउट करेगा। प्लीज सुनो तो सही। क्या है? Let's get married. और शादी के बाद पहला दिन तुम्हारा, समझ गए? जो बोलोगे करूंगी, सब कहना मानूंगी, पहला दिन तुम्हारा, लेकिन दूसरा दिन मेरा होगा, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, समझ गए ना? एक दिन तुम्हारा, एक दिन मेरा। इतने दिनों तक तुम यही सोच रही थी? सिंपल है ना, मैं घर जाके सो जाता हूँ। अरे सुनो ना। अरे ये क्या है? बस है। प्लीज आप। अच्छा ठीक है ठीक है, चॉकलेट। ये तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैंने कहा क्या? अगर हम दोनों एक दूसरे को ये नहीं देंगे तो कैसे चलेगा अर्जुन? आधा आधा तोड़ के ही तो खाना पड़ेगा। लो। ये तो कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है। सो सब ठीक है अब। समझो अर्जुन, प्लीज अर्जुन। अभी एक दिन बचा है ना, देख मैं क्या करता हूँ। बच्चू, मेरे लिए भी एक दिन है। I am waiting. हे मेरे ईश्वर, ये क्या कर रहा है? ए तू पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इस लड़की के चक्कर में मत पड़ना। ए तू इधर आ, चॉकलेट खिलाकर इसे फंसाएगी क्या? चाचू, अंकल, माय वाइफ। वाइफ है? आशीर्वाद दो। ए तुम्हारे इस खेल में मुझे मत घसीटो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। चाचू चाहे कैसे भी हो, हमारी शादी करवा के लंदन में एक बहुत अच्छा सा घर भी दिलवाया। देख दिख रहा है, तेरे लिए मेरी जिंदगी में इस एपिसोड का नाम है शादी का रायता। कह रहे थे कि घर दिलाऊंगा, लेकिन अपनी यादें ताजा करने के लिए मुझे बोट हाउस में लेकर आए। अरे ये वो नहीं है, ये अलग है, तू अंदर चल के देख, तुझे पता चल जाएगा। आजा। हे तेरे चाचा का टेस्ट देखा, बहुत बढ़िया है। मैं एक्चुअली यहीं पर रहना चाहता था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, डॉली जब इस तरफ से चढ़ के आती है तो ये उधर झुक जाता है, और जब वो उधर जाती है तो उधर झुक जाता है। वेरी डेंजरस, यू नो। आजा दिखाता हूँ। आपकी आवाज बढ़िया। आजा आजा। लेकिन क्या है ना, आप बोलते बहुत ज्यादा हो। वहाँ देखो, उस तरफ। यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये टावर ब्रिज का नजारा, और यहाँ से देखोगे तो पूरे सिटी का नजारा, लेकिन टावर ब्रिज दिखाई नहीं देगा। देखो ना आंटी क्या दिखा रही है। डॉली, yes? Let's go. निशा, चलो हम लोग निकलते हैं। यू गो। क्यों, क्या हुआ? कम कम डार्लिंग, ये जगह सच में बहुत बढ़िया है। क्यों, क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। अरे ये क्या कर रही हो, ये घर तुम्हें पसंद नहीं आया? यहाँ तुम नहीं रह पाओगी, सच कह रही हो? तब तो हम लोग यहीं पर रहेंगे, चलो। निशा, अरे उठो ना निशा। अरे
मुझे बाथरूम जाना है यार। ऐसे मैं कैसे जाऊंगा? कंट्रोल करके सो जा। मैं ऐसे ही सोती हूँ। क्या मुझे 11 बजे तक सोना पड़ेगा? छोड़ो। आज का दिन पूरा मेरा है, तेरी बात माननी पड़ेगी, सो जा। मुझसे बदला ले रही हो? कोई फायदा नहीं, सोना बहुत आसान है। देखो कैसे सो रही है। छोड़ो ना निशा, छोड़ो ना निशा, सो जाओ ना। ए देख लिया ना, शादी के बाद लड़कियों की खूबसूरती थोड़ी कम हो जाती है ना? बिल्कुल सही कहा, शादी के पहले लड़कियाँ झटक मटक बिजली की तरह चमकती रहती है और शादी होते ही टॉई लुढ़क जाती है। ये क्यों चचू टॉई जैसी हो जाती है? क्योंकि जब हाथ में खिलौना आ जाता है ना, टॉई हो जाती है। खिलौना? अरे बच्चा रे, बच्चे को जन्म लेते ही उनकी सारी एक्टिविटीज बदल जाती है। तब तो अगर बच्चा पैदा हो जाए तो डांस नहीं कर पाएंगे ना? एक बच्चा होने के बाद अदर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो डाउन हो जाती है और मदर एक्टिविटीज सारी शुरू हो जाती है। निशा, 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 ये सब क्या है? जरा इधर आओ। मैं यहीं सो जाती हूँ अर्जुन। सो जाऊंगी? कितनी देर से मैंने अपना मूड बना कर रखा है की तरह फ्रॉक पहन कर रखा है। अब चलो आ जाओ, ये बहानेबाजी छोड़ दो, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मेरा मूड बना है तो पूरा कवर करके आई हो। क्या दिमाग है, क्या सोच है। मुझे चमेली के फूल नहीं मिले, यही मिले। क्यों अच्छे हैं ना? तुम्हारा मूड बनाने के लिए ही तो मैं ये सब लेकर आया हूँ। हलवा लेने के लिए निकला था पर वो मिला ही नहीं। लो खा। नहीं चाहिए। अरे अब खा भी लो। अरे खाओ ना। खाओ ना निशा। अर्जुन मैं वहाँ जाके सोती हूँ। छी, सोने की बात क्यों कर रही हो? इतने रोमांटिक मूड में तो सोने की बात करना बेवकूफी हो जाएगी। नो नो नो, डॉक्टर, पूरी तरह प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी ऐसा हुआ है, ये कैसे हो गया डॉक्टर? ये बात मैं नहीं मान सकता डॉक्टर। उस कंपनी को मैं नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर, उसके ऊपर केस कर दूंगा। इस तरह की सुरक्षा 100% सेफ नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं तो अबॉर्शन करवा सकते हैं, उसके लिए दवाइयां हैं। वो एक अच्छी डांसर है डॉक्टर। अरे बेकार की प्रॉब्लम हो गई, तुम एक काम करो, अबॉर्शन के लिए जो भी करना है वो कर लो। भी अच्छा रहेगा ना, हमारा प्यारा क्यूट सा बेबी होगा। हाँ अच्छा तो होगा, बट तुम एक डांसर हो यार, बच्चे को गोद में रख के तुम कैसे भला नाच सकती हो? वो सब मैं देख लूंगी अर्जुन। प्रॉमिस करो निशा, प्लीज प्लीज, देखो तुम्हें डांस करना है निशा, प्लीज निशा। तुम डांस नहीं करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा निशा। तुम और वो जो कितना अच्छा डांस करते हो, प्लीज। ओके अर्जुन, तुम्हारे सामने डांस करूंगी मुझे के साथ। सच कह रही हो? हां सच में, प्रॉमिस। एक बार और प्रॉमिस करो। Good decision. Thank you. Hey, Nisha, जरा यहाँ देखना।
बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे बता सकते ना कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई थी। फेसबुक पर थोड़ी डालूंगा। तुम कितनी जॉली सी थी। निशा, लगता है बच्चे को पूरी तरह से अर्जुन ही संभालता है। पूरी तरह से वो ही संभालता है और अब मैं अपने डांस कॉम्पिटिशन में फोकस करने वाली हूँ। Hey, how are things? Oh, तो यही है। मीना, आप इसे समझाइए। She must come early, regularly. We must win. Hard work करने पर ही जीत पाएंगे। तो सारे आइडिया यही देती है क्या? कैसा आइडिया? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं? अरे वो तुम नहीं समझोगी ना। मैं जरूर समझूंगी, ट्राई मी। बोलो ना। बात यह है कि आज हम सब लोग बहुत खुश हैं ना। देखो ना, आज तुम भी कितनी खुश हो। और इसका बस एक ही कारण है, इस घर में बच्चा जो आया है। और उसे छोड़कर सालसा वालसा लाइफ पूरी उल्टी हो जाएगी। ये सब कुछ छूट जाएगा ये सोच कर ही मैंने अर्जुन को समझाया था। तो ये आइडिया तुम्हारा था? क्यों, क्या मैंने गलत किया? निशा तुम ही बताओ ना, मैंने इसमें क्या गलत कहा? बच्चा हो जाएगा तो मैं डांस नहीं कर पाऊंगी ये सोच के पैदा कराया? निशा, उसके चाचा ने तुम्हें बता दिया है ना, तो उससे पूछने की क्या जरूरत है? इनकी सोच ही घटिया है। अर्जुन, मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, मैं तो जनरल बात कर रहा था। इन लोगों ने गलत समझ लिया, मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। नहीं रह सकते, कहना जरूरी था क्या? अब इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना। अर्जुन, हे निशा, मैंने ऐसा सोच के कभी कुछ नहीं कहा यार। निशा, बेकार में क्यों रूठ रही हो यार? बच्चा हो जाएगा, मैं घर पे रहूंगी, घर संभालूंगी, है ना? यही तुम्हारा प्लान था ना? सच कहा ना?
तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो यार? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कसम खा के कहो। इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चे की कसम क्यों खाने के लिए बोल रही हो तुम? क्या? ये छोटी सी बात है? हाँ हाँ अर्जुन, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था निशा, कम से कम मेरी बात ध्यान से सोच तो लो। सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। हाँ। इसके पैदा होते टाइम जितनी तकलीफ हुई थी ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हो रही है अभी। तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया अर्जुन, ये गलत है। हाँ। बेकार की बात मत करो निशा, उस दिन हॉस्पिटल में तुमसे भी ज्यादा दर्द मुझे हो रहा था। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, लेकिन अब तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ, ये बात समझ लो। बेकार में जो मन में आता है वो मत बोलो। अभी तुम क्या चाहती हो? हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है, बच्चा है, हम खुश हैं, और क्या चाहिए बोलो, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? अपने बारे में क्यों सोचते हो हमेशा? दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते? अभी तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सोच क्या रही हो तुम? बस करो अर्जुन, बहुत हो गया। हमारे पास सब कुछ है पर ये काफी नहीं है। तो तुम क्या बोल रही हो निशा, तुम भी तो अपने बारे में ही सोच रही हो ना। अर्जुन, आई वॉन्ट टू क्लियर इट, इस बारे में बात करनी है। ठीक है चलो बात करते हैं, आओ मेरे साथ चलो। खाने का टाइम पर क्या बात करनी चाहिए, इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है। संभाल के वहां चिल्लाने के लिए सॉरी, तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है, अपने फ्यूचर की बात करूं? तुम जानते हो डांसिंग, वो कंपटीशन, वो मेरा सपना था। फिर तुम आए, फैमिली, बच्चा, मैंने इनके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अब मुझे डांस करना है, कंपटीशन जीतना है, पार्टिसिपेट करना, जीतना, मैं ये सब करना चाहती हूँ अर्जुन। बट अगर घर के कामों में बिजी हो गई और घर पर ही बैठी रही तो ये सब नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम बताओ अर्जुन, सोच के बताओ, मैं करूं या रहने दूं? रहने दो यार। हमारी इतनी अच्छी फैमिली है, हमारा बच्चा है, बहुत खुश हैं हम, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। सिचुएशन को बेकार में क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो? रहने दो ना निशा। मैं डांस करूंगी, जरूर करूंगी, और जीतूंगी भी। मन में जो होता है वो मैं कह देता हूँ। मैं अपने हिसाब से डांस करूंगी, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगी और जरूर करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे अब इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरी किस्मत फूटी जो तुमसे शादी की। निशा निशा रुको एक मिनट। सो गया क्या? सो गया। तो मुझे
तुमने फ्रैंकली कहने के लिए कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मन में जो होता है वो मैं कह देता हूं, छुपाता नहीं हूं। इसमें मैं क्या करूं, मेरी आदत है। Hi, how are you? It's been a long time. You got married? That's my son. And you have a baby? That's my husband. Oh, hi. You are together? Obviously. Oh, okay. Bye. निशा, ये है कौन? क्लोज फ्रेंड है अर्जुन। इसने अभी क्या किया? हाँ? इसने अभी जो किया वो गलत नहीं लगा तुम्हें? बेकार की बात मत करो, मुझे कुछ गलत नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस शहर में कुछ गलत नहीं है। निशा, हम लोग लंदन में हैं, हम कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, हम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, क्लब में जाते हैं, डांस करते हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन हम लोग अंग्रेज नहीं है, हम इंडियंस हैं। हमारी एक संस्कृति है, हमारी माँ बहन बेटी को कोई तुरंत बाहों में आके भर ले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मेरे बदन में तो ये सोचकर आग लग गई है, जी करता है कि उसको जाकर अभी मार दूं। अगर वो बाहों में भरता है तो उसे धक्का दो, चूमता है तो चप्पल उठा के सीधे उसे मारो। ये हमारी संस्कृति है, ये कभी मत भूलना। और इस बात से अनजान हमारे देश में भी बहुत सारे घूम रहे हैं, ये सब नहीं चलता है। निशा, मन तो करता है कि जाके उसे जान से मार डालूं, जाऊं मार दूं उसे। जाओ अर्जुन, मार दो, बस यही बाकी रह गया है। जितना नीचा दिखाना था दिखा दिया। मेरा दिमाग खराब मत करो, उसे मारना है मारो, जो करना है करो। हमारा रिश्ता आज से खत्म, गेट लॉस्ट। हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट, व्हाई डिड यू किस हर मैन? शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज माय वाइफ, कांट यू सी शी हैव अ किड, सो व्हाट्स रॉन्ग? अर्जुन, आज सुबह से तुम जो भी कर रहे हो वो सब गलत है अर्जुन, बेकार में किसी से झगड़ा मत करो। इट्स अ पिक ऑन अ चेक। नो, यू कांट डू दैट मैन, डोंट डू इट अगेन, ओके? व्हाट हैपेंड? सम क्रेजी इंडियन गाय। एक्सक्यूज मी, व्हाई यू आर कॉलिंग योर फ्रेंड फॉर? यू आर बीइंग अग्रेसिव। आई एम नॉट अग्रेसिव मैन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड। नो, यू टॉक टू मी। व्हाई वुड आई टॉक टू यू? आई वांट टू टॉक विद योर फ्रेंड, कैन यू गिव अस अ मिनट प्लीज? नो, यू टॉक टू मी। I don't want to talk with you. I just want to talk with your friend. You wanna fight? I know to fight, but I don't want to fight. Hey, he wants to fight. Come on, Arjun, you. Arjun, don't do this. Come on. Arjun, please. Come out, Arjun. कहाँ हो? यहाँ पर हूँ पार्किंग में, बच्चा भी साथ, बीच रोड पे गुंडों के साथ लड़ाई कर रहा है। निशा, तुम रो मत, मैं सब संभालूंगी, ओके? आपने सही कहा था, मैं गलत थी। बेबी कहाँ है? बच्चे को लेके बीच रोड पर खड़ी हूँ आंटी। तुम रो मत निशा, प्लीज एक काम करो, तुम सीधे घर आ जाओ। अर्जुन, मैं चली जाऊंगी। बात मानो। Get out from here. I'm sorry, man. Run. अर्जुन, उसे छोड़ दो। You're not going to kiss anyone's wife, okay? Arjun, मेरी जिंदगी के इस हिस्से का नाम है सॉरी निशा।
बच्चा खोने के बाद मैं उसे देखना तक नहीं चाहती थी। मैं अपनी लाइफ में दोबारा उससे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन 7 महीनों बाद वो एक दिन मिला। निशा, निशा, उसे देखकर मेरे अंदर कोई प्यार नहीं जागा, बल्कि डर गई। कहीं वो मुझे दोबारा फिर से ना रुला दे। मैं भाग गई। निशा, निशा, जरा आप नीचे आएंगे? क्या बात है अर्जुन, तुम यहाँ आकर हमें क्यों परेशान कर रहे हो? उसे जरा बाहर बुलाइए। निशा घर पर नहीं है, होती तो भी नहीं आती। अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई। बच्चे? नहीं है। हस्बैंड है क्या? नहीं है। नहीं है ना? फैमिली में कोई और? कोई नहीं है, और ना ही मुझे चाहिए। आप क्या हमेशा दुखी रहती हैं? जब भी देखो बहुत खुश रहती हैं। बिंदास क्लासेस लेती रहती है ना? सब लोग खुश रहने चाहिए, और मेरे साथ जो हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर मैं दुखी रहूं? मैं मानता हूं कि मेरा बच्चा गुजर गया है, इसमें क्या करें? वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट यानी वो अक्सर होता है, लेकिन अच्छों के साथ नहीं बल्कि बुरों के साथ होना चाहिए ऐसा मानकर नहीं होता है। वो कुदरती होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन एक वो है कि बच्चे के गम में घर में बैठकर उदास रहेगी। दुख मुझे नहीं होगा, मैं दुखी नहीं हूं, उदास नहीं हूं। अगर वो माए तो मैं भी उसका बाप था उसका। मैं मानता हूँ कि बच्चे को पैदा मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं बच्चे की पोटी तो साफ करता था, रोजाना करता था। उसने अभी तक बोलना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन उसकी कहकारी आज भी सुनाई देती है। उसने बहुत बातें की है, जब भी याद करता हूँ कलेजा मुंह को आता है। हमारे हाथों में क्या है? हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा ऊपर वाले को पसंद आ गया, इसलिए उसने उठा लिया। रख लो, लेकिन हमारी औलाद को संभाल के रखना। वो मेरा बच्चा है, लेकिन क्या जिंदगी यही रुक जाएगी? चलनी चाहिए, इट हैज टू मूव, यू नो। ये उसे भी समझाइए, ऐसे रहेंगे तो कैसे दूसरा बच्चा पैदा करेंगे? 10-10 बच्चे पैदा कर सकते हैं, मगर बच्चा पैदा करने के लिए उसे आना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, बुलाइए उसे। सुनाई दे रहा है? बुलाइए उसे, अपने घर चल, मुझे एक और बच्चा चाहिए, और उसके लिए तुम्हारी जरूरत है। बता दीजिए उसको। सोच रही हो?
नहीं निशा, जाओ जाकर उससे मिल लो, सब ठीक हो जाएगा। अंदर आओ निशा। कल जो चिल्ला के गया उसकी वजह से नहीं आई हूँ, ये मेरे बच्चे की जगह है, आने का मन किया था इसलिए आई। लेकिन अंदर आने से पहले तीन बातें बता दूं, वो भी साफ साफ। वन, तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे, तुमने बात की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चेहरे पर उदासी रख के यहाँ घूमना वहाँ घूमना ये सब करके सिंपैथी गेन मत करना प्लीज, इट वॉन्ट वर्क। और मैं डांस कॉम्पिटिशन में डांस करके रहूंगी, वो भी उस मोजो के साथ ही। अगर ये सब ओके है तो सिर्फ एक बार ऐसा करना, और अगर नहीं है तो 5 सेकंड के लिए साइलेंट रहना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं तो बोलो, हम दोनों मिलकर करते हैं। उसके बदले ना जाने कौन आता है, यहाँ हाथ डालता है, उधर हाथ लगाता है, कभी कंधे पर छूता है, कभी वहाँ छूता है। ये सब देखकर तालियां बजाने वाला मैं कोई ऑडियंस नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। जहाँ पर मुझे छूना चाहिए वहाँ पर कोई और आकर छूता है, तो मेरे में और उसमें फर्क क्या हो गया? मैं जानती हूँ तेरे छूने और उसके छूने में फर्क जानती हूँ मैं। क्या मैं उसके पास जाके सोती हूँ? वो डांस है, डांस ऐसा ही रहता है। तुम क्या जानो, ये एक आर्ट है, चित्र है। अच्छा, ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों हो? वो चित्र नहीं तो कला है। तुम कैसे जानोगे? सही कहा तुमने, मैंने तकलीफ उठाकर तुमसे प्यार किया, शादी किया और अपने घर में लेकर आ गया, तो दूसरा कोई आकर मेरी पत्नी का चित्र बनाएगा? फिल्मों में माधुरी दीक्षित के साथ कोई हीरो डांस करे तो उसे देखकर हम मजे ले सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को कोई और छुएगा तो मैं भला मजे कैसे ले सकता हूँ? मैं किसी के देखने के नजरिए से बता सकती हूँ कि उसकी नीयत कैसी है। जानती हूँ मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ, उस पे विश्वास तो रखो, अपनी पत्नी पे भरोसा करना चाहिए। मैंने नहीं किया, ठीक वैसे ही सबको छोड़ छाड़ के बच्चा पैदा करके नहीं दिया? तुमने मेरे लिए आज तक क्या छोड़ा, एक चीज बताओ। मैंने छोड़ तो दिया, जाओ नाच लो, उस मोजो के साथ ही डांस करने के लिए छोड़ दिया मैंने तुमको। हमारे यहाँ पर अपनी मंगेतर हो या अपनी पत्नी हो, सिर्फ इतना ही नहीं, जिस पर लाइन मार रहे हैं अगर वो लड़की भी किसी और के पास चली जाए तो पूरे बदन में इतनी आग लगती है कि मुंह से धुआं निकलने लग जाता है, और उसको जो दर्द होता है ना, वो तो तुम कभी जान ही नहीं सकती। हमारा कलेजा जल जाता है। जाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है, लेके जाओ, उसी का फोन होगा, लो और जाओ, जाओ और जाके उस लंगूर के साथ जितना डांस करना है करो। लेकिन निशा, जो एहसास मुझे होता है ना, वो एहसास तुझे भी होगा एक दिन, देख लेना, क्योंकि मेरा दिल कहता है तभी तुझे मेरी फीलिंग का एहसास होगा। So we have the drop and then the turn and then the double drop, okay? Let's go. Are you okay? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, very good. 1, 2, 3 and turn. Double and double and drop. Wow, that was good. 1 second. How did I? Hey. What's happening, Nisha? Are you okay? Let's do the other one. Which one? The leg up one. Why not this?
Okay, let's go. Yeah. Can you hold on? Come on, come on, come on. Let's go, let's go. Come on, come on. Once more. Give me your leg. 1 second, Mojo. क्या हुआ? निशा, ये क्या कर रही हो? Something seems to be wrong. Sorry, sorry, sorry. Only 3 weeks बचे हैं. Yeah, we'll do the other one. Let's go. 2, 3, 4, up. Chin up. Look up. Look into my eyes. Put this hand here. Look up and look into my eyes. आज रहने दो. Come on, Nisha. बाद में करते हैं मुझे. What? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा. सुनो, तुम लोग इसे अकेला छोड़ दो. Thank you. Okay, बताओ निशा, what happened? बताओ ना, क्या हुआ है? I can't concentrate. उसी की तरह सोचने लग गई हूँ. सब गलत गलत दिखता है. ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी ना. अब कोई फायदा नहीं है. देखो, अब दो ही रास्ते बचे हैं, या ये या वो. ये मर्द ऐसे ही होते हैं ना, सुधरते ही नहीं है ना. सवाल ही नहीं उठता है. नो चांस, कभी नहीं सुधरेंगे. I'll come back, बेटा. Okay, अंकल. Hey, क्या बात है? अरे यार, सुबह तो मैंने गुस्से में बोल दिया. प्लीज बुरा मत मानो. आज तुम्हारी डांस क्लास इतनी जल्दी खत्म हो गई, क्या बात है? हो गया. क्या हो गया? तुमने जो सोचा था ना, हो गया. मैं डांस कर ही नहीं पाई. तुमने कहा था ना, यहाँ छूता है वहाँ छूता है, वही दिमाग में चल रहा था. ये क्या बात कर रही है? मैं अब नाच नहीं पाऊंगी तुम्हारी बातों के चक्कर में जो आ गई. ए, भरोसा करना ही बेकार है. सुनो, ये क्या निशा? अच्छा, एक मिनट रुको. अरे मोजो, मोजो, व्हाट हैपेंड? इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग मैन. देयर इज नो साइन. कोऑपरेट नहीं कर रही है, छूने से अलग बिहेव कर रही है. ऐसा पहले कभी नहीं किया. प्रैक्टिस तो पूरी होनी चाहिए ना मोजो. ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात मानो. No. एक दो मिनट वेट करो, मैं उसे समझा के आता हूँ. जाके उससे बात करो. I'm cool, man, I'm cool. तू मरेगा तो मेरे ही हाथों. Hey, please निशा, मैं मानता हूँ कि सुबह मुझसे गलती हो गई. मेरा यहाँ आना ही प्रॉब्लम था ना. तुम जाकर प्रैक्टिस करो, सिर्फ 15 दिन बचे हैं. गुस्सा मत करो, चाहो तो मैं चला जाता हूँ. अर्जुन, 3 महीने पहले मोजो ने मुझे प्रपोज किया था, तब मैं अगर सोच लेती तो अभी नहीं पछताती. अब मैं नाच नहीं पाऊंगी किसी के साथ भी. बस अब खुश. अरे मेरी बात सुन तो लो निशा. अरे मैंने गुस्से में बोल दिया, बुरा मत मानो ना. जिस दिन तुमसे प्यार किया, जिस दिन तुमसे शादी की, उसी दिन सब छोड़ देना चाहिए था. मैं ही पागल थी, समझ ही नहीं पाई. मेरी गलती थी सारी. तुमने जो चाहा हो गया. चलो अब क्या चाहते हो बोलो. चलो घर चलते हैं, जो चाहे करो. निशा, कम से कम मेरी बात सुन तो लो. गुस्सा मत करो, एक दो मिनट मेरी बात सुन तो लो ना. मैं अभी आता हूँ, प्लीज तुम यहीं पर रहना. मोजो, मोजो, एक मिनट. Yes. प्लीज मोजो, मेरी बात सुन तो लो. एक मिनट रुको. अर्जुन, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो. मैं कैसे समझूंगा? नो, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. मैं 1, 2, 3 बोलकर यहाँ हाथ रखता, वो हटा देती है. यहाँ हाथ रखो, वो हटा देती है. Hell, man, how do I walk? मोजो सुनो, please. It's not happening. I go this way. It's a step. हाथ हटा देती है, डांस नहीं हो पा रहा है. This no concentration. कुछ हो नहीं पा रहा. मैं इस तरह से स्टेप करके जब उसे देखता हूँ, and I turn, कमर पर हाथ रखकर, जब वो हटा देती है, बिल्कुल ऐसे ही करती है. बिल्कुल ऐसे ही करती है. समझ गए? तो कैसे डांस करेंगे? इतना ही नहीं, ये वाला मोमेंट देखो. लुक एट माय आईज. मुझे मेरी आंखें समझ रहे हो ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. सुनो, खाए बगैर वो प्रैक्टिस में आई है. अब कुछ भी करके प्रैक्टिस पूरी करो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. प्लीज प्लीज, वेट 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 वेट. देखो, मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया है. ये थक्कन बहुत मार रहा है. बहुत अच्छे लग रहे हो. लो, पकड़ो बैग को और तुम अंदर जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है. प्लीज मेरी बात समझ. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, मैं अबसे यहाँ नहीं आऊंगा, कॉम्पिटिशन में भी नहीं आऊंगा. प्लीज मोजो, मेरी बात मानो और जाओ अंदर. ओके, कमर पे हाथ नहीं रख सकता, मुंह पे हाथ नहीं रख सकता, तो चांस कैसे होएगा? प्लीज मोजो, अब जाओ ना अंदर. मैं कॉम्पिटिशन में भी नहीं आऊंगा, अब मेहरबानी करके अंदर जाओ मोजो. मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज.
अर्जुन, इधर आओ। क्या हुआ निशा? मोजो को क्यों मारा? हाँ, मोजो को किसने मारा? तुमने उस बेचारी को क्यों मारा? ओहो, ये क्या बोल रही हो? Is he fine now? हेलो, मैं तुम्हें सर से लेके पैर तक अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। निशा, प्लीज मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। अर्जुन, कम से कम जैकेट तो भूल के नहीं आते। हे, मैं यही तो जैकेट ढूंढ रहा था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? I'm a playboy, baby, playboy, baby. सब लोग जानते हैं अर्जुन, अब वो नाच नहीं पाएगा। खुश। अरे छोड़ो ना, मोजो गया भाड़ में, उसके किसी से खुन्नस हुई होगी तो उसने उसे मारा होगा और इल्जाम मुझ पर लग गया। अब वो नहीं है तो क्या हो गया? ओ अर्जुन, तुम समझते क्यों नहीं हो? कंपटीशन के लिए 15 दिन ही बचे हैं। अरे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही ना। अरे उस डांस के लिए एक पार्टनर चाहिए, डांस पार्टनर मेल होना चाहिए। अब मैं उसे कहाँ से लेकर आऊँ? तुम्हारे हिसाब से लड़की को सिर्फ उसका पति छूना चाहिए, और मुझे छूने की राइट्स तुम्हारे पास ही है। डांस तुम्हें ही करना होगा। डांस करना आता है? अरे बोलो ना, डांस करना आता है या नहीं? एक हद तक तो कर लेता हूँ। मैंने इस वाले डांस के बारे में नहीं कहा। मुझे डांस करते देखा है ना, मोजो को डांस करते हुए देखा है ना, क्या तुम वैसा डांस कर सकते हो? उस जैसा नहीं कर सकता, लेकिन सिखाओगी तो जरूर कर लूंगा। खाली पीली कुछ भी मत बोलो, सही बताओ आता है या नहीं? अब मुझसे कुछ बोलोगे? अच्छा तुम चाहती क्या हो? बस डांस ही करना है ना? ओके, मेरी जिंदगी के इस एपिसोड का नाम है आ बैल मुझे मार। ओह, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उससे नहीं हो रहा है। पानी, निशा नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अरे बाप रे। हाथ संभाल के। Hey girls, please give me 30 minutes. Come back later, no? Thanks. ये सब क्या है? बहुत टाइट। निशा प्लीज, निशा मुझे पहनने दो ना, प्लीज निशा। निशा प्लीज प्लीज, निशा छोड़ो ना, निशा जल्दी से। Right leg forward. ए ए, रुको ना। नहीं यार, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, दिखाओ ना वापस एक बार। मैं सच कह रहा हूँ। 1, 2, 3, 4. ये किस लिए? अंदर करो। नहीं नहीं, ये वो डांस नहीं है। अब देखना, अभी तक तो यही मेरी परेशानी थी। तुम मेरे आगे ऐसा ही करो, पीछे पीछे मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। रेडी? हाँ करो करो, चलो रेडी डन। 5, 6, 7, 8. अरे शू था दिख रहा, ऐसे चल रहा है जैसे तेरी चेचिस बैंड हो गई हो। पेट में दर्द है क्या? अरे तुम अच्छे हो ना? कहीं तू गिर तो नहीं गया? पैर दबा, फुल स्ट्रेच कर दिया चाचू। बस इतना ही ना? आराम से पैरों को सीधा ही रखना, मोड़ना मत। ए, इतनी सी बात के लिए इतना चिल्ला रहा है? मैं और डॉली जब एक साथ सालसा करते हैं ना, तो पूरा बदन बड़ा 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 करके हिलता है। लीवर, किडनी सब एक साथ हिलने लगता है, मुंह से धुआं निकलता है। अरे तू है कि मैं अभी भी बोलता हूँ, डांस में मैं सबको पछाड़ सकता हूँ। चाचू जरा हाथ देना अपना। हाथ दू? अभी अभी झोंक मारा था ना। हाँ हाँ, उसके लिए हाँ। मैं कल हंसूंगा चाचू, आज मैं बहुत थक गया हूँ। निशा, इस आदमी को जरा बाहर ले जाओ ना, नहीं तो मेरे हाथ में जो भी आएगा उससे मैं इसका। अरे लेकिन, लेकिन मैंने क्या किया? ए, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तुम लोग।
स्टॉप, मैं जाके ऐसे टर्न करूंगी, घूमते ही साथ में. Very good, Arjun. ऐसे. Okay. Tonight, prepare for fireworks as the dancers get ready to put on their best performance on this stage tonight. Who will leave or who will stay depends on what they do tonight. So let's wait and see who's the best dancing couple tonight. Are you ready for the biggest competition in UK history? Ladies and gentlemen, let's dance! Anthony Gonzalez! Rachel! Michael, a.k.a. Mike! आ सकती थी, लेकिन किसकी वजह से क्या हुआ है तुम अच्छी तरह से जानते हो. शादी करके बच्चा पैदा करके ये देखो वजन बढ़ गया है, अब मैं डांस कैसे करूंगी. For the first time in UK dance history, we have a couple that comes straight from my hometown, India, Mumbai. यहाँ पे डांस करते समय प्लीज मुझे रुलाना नहीं, बस और कुछ नहीं. कम से कम अब तो मुझे समझो अर्जुन, प्लीज अच्छे से डांस करना. अरे करूंगा यार. All the best. अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, ओके? Thank you.
तुमने कहा था कि स्टेज पर आकर मुझे रुलाना नहीं, और मुझसे वही हो गया। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। इतनी भीड़ को देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई, बस इसीलिए मुझसे कुछ हो नहीं पाया। जजेस ने भी बहुत बुरा भला बोला। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, लेकिन अपना पार्टनर बदल दो तो हम तुम्हें एक चांस और दे सकते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबके सामने बेइज्जती हो गई। मैं जानती थी अर्जुन तुम ऐसे ही करोगे, मैं जानती थी। उन्होंने खुद बोला ना कि अपना पार्टनर बदल लो, मैं किसी और के साथ डांस कर लूंगी। ये सब टच करने की बातें भूल जाओ अर्जुन, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, समझा करो प्लीज। थोड़ा सा भी डांस जानते होते तो कोई बात नहीं। ओहो, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये करके दिखाओ, कर पाओगी क्या? मुझे डांस नहीं आता बोलकर मजाक उड़ाती हो। वो कैसे ला 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 ऐसे नाचेंगे तो ही डांस कहलाएगा क्या? तुम्हारे लिए वो डांस है तो मेरे लिए ये डांस है। हम अपने यहाँ ऐसे ही नाचते हैं, हमारे यहाँ इस डांस पर सीटियां बजती हैं। तुम्हारा डांस देखकर तो सभी सो जाएंगे। निशा, मेहरबानी करके मेरी एक बात मान लो, देखना इस बार कन्फर्म वर्कआउट हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बेडरूम के अंदर चलते हैं, मेरी बात सुनो प्लीज। तुम बेडरूम में क्या करोगे मैं जानती हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है निशा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, निशा ये जरूर वर्कआउट होगा, प्लीज एक बार आओ तो निशा। अब कौन निशा, तुम चलो एक बार। मेरी जिंदगी की इस एपिसोड का नाम है आई एम अ गली डांसर। मैं सच कह रहा हूँ, अब चलो भी, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करना, ठीक है? अब 1, 2, 3, अब करो। ओहो, दूंगा ही, ऐसा कोई करता है क्या? सॉलिड फोर्स के साथ, ऐसे जोश में। हाँ, एग्जैक्टली, बस यही तो मैं चाहता था। अच्छा, अब ये तुम्हारी जो जीभ है ना, ये जरा निकालो, जरा और बाहर निकालो, निकाल के दबाओ 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 और दबाओ जोर से, ऐसे आवाज निकलनी चाहिए। सुपर, यस, वेरी गुड निशा, देखना हम ही जीतेंगे। वी आर हियर फॉर द सेकंड राउंड ऑफ लेट्स डांस एंड ऑल आई कैन से इज इट्स डेफिनेटली गोइंग टू गेट बिगर एंड बेटर, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वाइल्ड कार्ड एंट्री निशा एंड हर न्यू पार्टनर। देंगे सबको झुमा देंगे, देखेंगे आज सभी अपना कमाल। हे बॉडी को ढील दे, शोल्डर घुमा जरा, लचका ले अपनी कमर, हिरना हटेगी चेहरे से तेरे यारा किसी की नजर।
को आज नचा देंगे। डांस 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 यार क्या चीज है, सबको आज बता देंगे। देखो 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 देखो, I am a rocking dancer, hey, I am a rocking dancer, I am a rocking dancer, hey, I am a rocking dancer, I am a rocking dancer, I am a rocking dancer, I am a rocking, rocking, rocking dancer. Dancer, dancer, rocking, dancer. मैंने पहले ही कहा था ना कि हम अगर अपने देश का डांस करेंगे, वो चाहे किसी भी देश में करें, वो सुपर हिट ही होगा। लेकिन अर्जुन, प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। प्रॉब्लम? हे, अब के डांस के बदले फाइट करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या अर्जुन, एक राउंड जीतने से क्या होगा, अभी ऐसे और 14 राउंड जीतने हैं। ओफो, मैं कैसे जीतूंगी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ ऊपर वाला जो है ना, वो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही देता है। वेरी गुड बेटे, इस बार दिवाली पर खूब पटाखे फोड़ूंगा। इट्स ओके यार, इट्स ओके, रिलैक्स। इस बार ज्यादा चिल्लाना नहीं है और ना ही ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है, समझ गई ना? एक रेडी हो गया ना, अभी तो पूरे 10 हैं। फ्रॉड, तुम कभी सुधरोगे नहीं ना। अरे तुम भी ना निशा, का पासपोर्ट किसने बना के दिया? क्या करूं निशा, मेरा सिलेक्शन तो सही है लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन गलत है। दुनिया में ना जाने कितने लड़के हैं, पता नहीं क्यों तुमसे ही प्यार हुआ। डॉक्टर, यहाँ देखो, अरे इधर देखो ना, तुम्हारे पिताजी ऐसी ही एक इंग्लिश फिल्म बनाएंगे, उसे सुपरहिट बनाकर हम हॉलीवुड जाएंगे,